ये तो सोचा था कि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस 2021 में बनाऊंगी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि जो स्टार्टिंग वीडियोस होंगी वो ही कोविड और वैक्सीन रिलेटेड होंगी। बट आई एम ग्लैड। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लो लिविंग इंडियन। दिस इज़ अ स्मॉल कोजी प्लेस जहाँ हम सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू हैवन सीन माई रिव्यू रिगार्डिंग द कोविशील्ड वैक्सीन दैट आई गॉट वैक्सीनेटेड विद, आई लिंक दैट वीडियो डाउन बिलो। बट टुडे लेट मी टॉक अबाउट अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में फ़र्क क्या है, और अगर हमें मौका मिले तो हमें कोविशील्ड लगवानी चाहिए या कोवैक्सीन लगवानी चाहिए। ना ही सिर्फ अंडरग्रेड स्टूडेंट्स बट पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स भी ये बात पूछ रहे हैं, एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी मेक अ वीडियो अबाउट इट। अगर आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही इस समय करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी हैं, जो कि इस समय हेल्थ केयर स्टाफ को लग रही हैं। बट लेटर ऑन टिल ऑगस्ट डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव एंड कैंसर पेशेंट्स को लगेंगी, और उसके बाद में इन जनरल सारी पॉपुलेशन को लगाने की कोशिश की जाएगी। ये दोनों ही वैक्सीन्स ऐसी हैं जो इंडिया मेड हैं। कोवैक्सीन इज़ बाय भारत बायोटेक एंड इट इज़ अ किल्ड वैक्सीन, एंड कोविशील्ड इज़ बाय द सीरम इंस्टीट्यूट पुणे एंड इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। किल्ड और रिकॉम्बिनेंट दोनों का ही मतलब ये है कि इनके अंदर लाइव कोरोना वायरस नहीं है, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाके लाइव वायरस को मल्टीप्लाई करने की क्षमता नहीं रखती, जिस वजह से इनकी सेफ्टी प्रोफाइल हम कह सकते हैं कि किसी भी और लाइव वैक्सीन के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। ये दोनों ही वैक्सीन ऐसी हैं जो 18 साल से छोटे यानी कि 18 ईयर से यंगर लोगों को प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं लगानी चाहिए, और ये दोनों ही वैक्सीन ऐसी हैं जो आपके आर्म में IM लगेंगी यानी कि इंट्रामस्कुलर। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा एक्चुअली इस बात से है कि हम ये समझें कि चाहे हमें कोविशील्ड लगे चाहे हमें कोवैक्सीन लगे, उनकी 1% की एफिकेसी के इधर उधर जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि कितनी जल्दी कितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साथ इन दोनों वैक्सीन्स को लॉन्च क्यों कर दिया? वो इसलिए क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्री हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर ये दो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैक्सीन्स बन रही हैं और हम इन्हें कंबाइन करके भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में लगा पाते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो जो डिस्कस होना चाहिए वो ये कि कौन कितनी जल्दी वैक्सीन लगा रहा है, पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोविशील्ड बेटर है या कोवैक्सीन बेटर है। आप लोगों ने अगर कोविड में थोड़ा बहुत भी न्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पैंडेमिक वर्ड, हर्ड इम्यूनिटी वर्ड, ऐसे वर्ड पढ़ लिए होंगे। तो ये सारा खेल हर्ड इम्यूनिटी का है। अगर आप एक 90% या 95% एफिकेसी की वैक्सीन लगवा भी लेते हैं मगर 6 महीने बाद लगवाते हैं तो उससे हर्ड इम्यूनिटी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगी। बट अगर 60-70% एफिकेसी की वैक्सीन भी 90% लोग लगवा लेते हैं उससे हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप होगी। सो इट इज़ अबाउट द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग वैक्सीनेटेड। द अल्टीमेट एम फॉर अस इज़ टू बिल्ड अप हर्ड इम्यूनिटी, to make as many people as possible immune to this coronavirus. ये छोटी सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। By the way, if you're not on Instagram, do join Instagram, Slow Living Indian. I really hope कि इससे मैं थोड़ा सा confusion दूर कर पा रही हूँ। आपको अगर कोवैक्सीन का मौका मिलता है कोवैक्सीन लगवाइए, कोविशील्ड का मौका लगता है कोविशील्ड लगवाइए, मगर लगवाइए ज़रूर। Anyways, I really hope that you enjoy this video, and if you have found me through this channel, then you subscribe to the channel and hit the notification bell.